भगवान को बहुत ज़्यादा ज़्यादा शुक्रिया इस बात को लेकर के. एंड एक और चीज़, मैं बचपन से हमेशा आई थिंक एक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मैं शीशे के सामने एक्ट करती थी, डांस करती थी. मुझे आज भी याद है छलिया छलिया जब सॉन्ग आया था, तो मैं DVD खरीद के लेके आई थी और कमरा बंद करके DVD लगा करके 4 घंटा मैंने उस गाने को प्रैक्टिस किया है. मुझे इतना पसंद था. उस टाइम नहीं पता था कि मुझे यही करना है. मुझे क्यों इतना इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, डांस में. मैं मूवीज़ देखती थी तो मैं अपने आप को वहाँ पे रखती थी कि मैं हूँ वहाँ पर उस हीरोइन की जगह. सो ये हमेशा से चलता था, बट नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है, ये सब क्यों है. इवेंचुअली मुझे जर्नलिस्ट बनना था और मैं बनी. तो मैं कॉलेज में, जिस कॉलेज में गई थी, तो वहाँ पे फिल्म स्टडीज़ होती थी. जितने मेरे सीनियर्स थे वो मुझे बुला लिया करते थे कुछ शॉर्ट फिल्म करने के लिए, कुछ म्यूज़िक वीडियो करने के लिए, कुछ कॉलेज के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करने के लिए. तो वो मुझे बोले तो हीरोइन बनना है. मैंने कहा नहीं, मुझे जर्नलिस्ट बनना है. क्या हीरोइन बनना है मुझे नहीं. तो बट जब मैं बनी जो मुझे करना था, देन आई रियलाइज, कहीं आपके दिल में ये बात रहती है कि यार शायद, दो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, आई वाज यू नो गेटिंग गुड अमाउंट, एवरीथिंग वाज देयर, मैं एंकर बनी. पर कहीं दिल में अंदर ये बात रहती थी कि यार शायद मुझे वो करने में ज़्यादा मज़ा आता था, शायद मुझे एक्टिंग करनी है. तो फिर मुझे जब ये रियलाइजेशन हुआ जब मैं जॉब करती थी, देन मैंने सोचा कि यार मुझे रिग्रेट में नहीं रहना है कि मैंने कोशिश भी नहीं की, तो क्यों ना कोशिश ज़रूर की जाए. और 4 साल लग गया मुझे पेरेंट्स को मनाने में कि मुझे मुंबई जाना है, प्लीज़ मुंबई जाने दो और ये सब. तो मैं ऑडिशंस देने के लिए आती थी सिर्फ महीने में 4 दिन 5 दिन, एवरी मंथ 4 दिन 5 दिन मैं छुट्टी लेकर के वहाँ का काम पूरा कंप्लीट करके, एक्स्ट्रा काम करके तब आती थी यहाँ पर और ऑडिशन देती थी. दिन से रात तक 6-7 ऑडिशन एवरी डे आई थिंक. तो फिफ्थ मंथ, जैसे 4-5 महीने हुए थे, तो फिफ्थ मंथ में मुझे जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था बालाजी का कलश, वो ऑफर हुआ. फिर मैं वहाँ पे चित्रहार एंकर किया करती थी, दूरदर्शन चित्रहार, उसको मैंने छोड़ा और मैं यहाँ पे आ गई. तो दिस वाज द होल जर्नी. एंड बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मेहनत जब आप करते हैं और लगन आप में होती है, तो फिर कोई भी सपने साकार हो सकते हैं. तो सपने ज़रूर देखें, सपने साकार होते हैं. सपने ज़रूर देखिए. तो डोनाल्ड जी, तब आपने सोचा था कि आप इस तरह से एक्टर बनेंगे, लाइक बिग बॉस एंड सारी चीज़ें, ऐसे सब कारवां चलते जाएगा? मुझे लगता है मैंने सिर्फ मेहनत की है. मैं एक्टिंग करना चाहती थी स्क्रीन पर, फिल्म्स में, सीरियल्स में जो मैंने किया, उसके ये सब चीज़ें साथ साथ जुड़ जाती हैं. मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है कि अच्छा मुझे ये प्रोजेक्ट ही करना है. मुझे प्रोजेक्ट्स मिले और मुझे वो प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे और मैंने किए. वो एम नहीं था कि भैया मुझे इतनी लाइमलाइट चाहिए या मैं ऐसा दिखना चाहती हूँ. मैं काम करना चाहती थी. वो जो भूख थी, शायद मुझे वो क्रिएटिविटी की और एक्टिंग की भूख थी जो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहती थी और वो किरदार निभाना चाहती थी. उनमें मुझे बहुत मज़ा आता है, तो वो मैंने किया एंड आई एम हैप्पी डूइंग इट. तो किस तरह के सवाल पूछने में इंटरेस्ट रखती थी जब आप जन इस तरह के सवाल पूछना है आर्टिस्ट को, इस तरह से फंसाना है? एक हर जर्नलिस्ट का एक अपना अपना एक अंदाज. किस तरीके से बात कर रहा है? क्या अंदाज होता था? क्योंकि उस टाइम तो मैंने आपको नहीं देखा था. नहीं, मैं बॉलीवुड कवर किया करती थी यहाँ पे जब मैं मुंबई भी आई थी एक महीने के लिए. और जो सवाल होते थे, जैसे हम लोग ने सभी के इंटरव्यूज़ लिए हैं आई थिंक, है ना, कौन रहे करोड़पति के सेट से लेकर के अमिताभ बच्चन से लेकर के सलमान खान, सबसे हम लोगों ने बातें की हैं आई थिंक. सो मेरे क्वेश्चंस हमेशा जो मुद्दा होता था उसके इर्द गिर्द ही रहते थे. और सबने मुझे मतलब अच्छे से ही इंटरव्यूज़ मेरे हुए हैं. मुझे इंटरव्यूज़ में काफ़ी लोग बोलते थे कि तुम उधर क्या कर रही हो, यू हैव टू नीड टू बी दिस साइड. एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक एक्टर थी, तो उन्होंने मुझे बोला था और काफ़ी लोग ऐसे बोलते थे कि यू शुड बी दिस साइड ऑफ द कैमरा, वी वॉन्ट टू सी यू दिस साइड, नॉट दैट साइड. वो सो ये सब आई थिंक प्यार था लोगों का जो मुझे इनक्रेज करता था. आप लोगों का, आप लोग सब लोग भी बोलते थे,
तो मुझे लगता है कि वो एक इनकरेजमेंट मेरे अंदर तो था ही कि मुझे करना है, बट साथ साथ जो सब लोगों का इनकरेजमेंट मुझे मिला, इतना प्यार मुझे मिला, वो भी उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिस जिसने मुझे सपोर्ट किया है, जिस जिसने मुझे प्यार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम इस साइड देख रहे हैं, बैठकर डोनल जी इंटरव्यू दे रही हैं। सो बिग बॉस के घर से आई हैं, तो बताइए जरा कि बहुत सारी हैपनिंग हुई, बहुत सारा मैंने कुछ सुना, बहुत कुछ। आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर का? एक्सपीरियंस अच्छा था, शॉर्ट था, स्वीट था, बट इम्पैक्टफुल था। मैं बाहर आई हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ में आया कि अंदर जो मैं थी, जो मैं कर रही थी, वो सही समझ रही थी, सही बोल रही थी। और वो 14 लोग अंदर समझना नहीं चाहते थे या मुझे समझ चुके थे, उनको पता था कि शी कैन बी द पॉसिबल कंटेंडर इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज़ ये स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ये अपने ओपिनियंस रखती है, ये बदलती नहीं है। और आई थिंक बिग बॉस के घर में ऐसे लोग चाहिए, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं चाहिए। जो इनको समझ में आ गया था कि ये हमारी बातों में नहीं आने वाली है, तो इस वजह से जितनी जल्दी हो सकता था, जब उनके हाथ में मौका था, उन्होंने कहा कि डोनल्ड बुश को ही हम लोग निकालेंगे। तो बट ठीक है, आप लोगों ने मुझे वहाँ से निकाला डर के कि शायद मैं कहीं और आगे ना बढ़ जाऊँ, बट लोगों ने मुझे प्यार किया, लोगों ने मुझे समझा, मैं ऐसे ही जीत गई। मैं हर इंटरव्यू में ये बोलूँ, बिकॉज मैं फील करती हूँ, मैं ये फील करती हूँ कि ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई गेम नहीं होता है। और जो आप रियल होते हैं वो लोगों के लोगों तक पहुँचता है, और रियल जो लोग होते हैं वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे समझा, मुझे जाना, मेरी पर्सनैलिटी को पसंद किया। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, मोर देन एनी ट्रॉफी। डोनल्ड जी, आई विश कि लोगों के दिल में रहेंगी, बिग बॉस की ट्रॉफी कोई भी उठाए।